आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कठिन कठिन शब्दों का, जो रेनबो पार्ट टू का जो चैप्टर है, पोएम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसे जॉन डोन ने लिखा है, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दो चैप्टर का है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसे वाट विटमैन ने लिखा है। तो पहले देखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। देखिए, गो में ई लगा हुआ है, मतलब इस पोएम में इन्होंने एक्स्ट्रा ई का प्रयोग किया है, जैसे मी तो MEE, ही HEE, और अपने नाम में भी देखिए जॉन डॉन है तो एक्स्ट्रा ई लगा हुआ है, ठीक है। वियरीनेस, देखिए वियरीनेस में एक्स्ट्रा ई लगा हुआ है, वियरीनेस मतलब होता है थकान। फीटर का मतलब होता है बेटर, ज्यादा अच्छा। सिंस का मतलब चुकी। जेस्ट का मतलब खुशी या मजाक या विनोद। एट लास्ट मतलब अंत में। फेंड वास्तव में है FEIGNED, फेंड मतलब बहाना या मजबूर। डाई है DYE, वास्तव में है DIE, डाई, डाई का मतलब मरना। येट मतलब अभी तक। यस्टर नाइट, यस्टर नाइट का मतलब यस्टरडे नाइट, जो बीत गया, यस्टर नाइट मतलब ये यस्टरडे नाइट, कल बीती हुई रात। सनी, यहाँ पर वास्तव में सन है, SUN मतलब सूर्य। सेंस, सेंस का मतलब ज्ञान। हाफी वास्तव में शब्द है हाफ, आधा। फियरी, फियरी वास्तव में शब्द है फियर, डर, भय। स्पीडियर, स्पीड का कंपरेटिव डिग्री है, स्पीडियर मतलब ज्यादा तेज गति से। विंग्स, विंग्स का मतलब होता है पंख। स्पर्श का मतलब होता है प्रेरणा। देन, TEN, वास्तव में देन है, TH AN, क्योंकि शब्द के पहले कंपरेटिव डिग्री आया है, तो कंपरेटिव डिग्री के बाद देन आता है TH AN, जिसको पोएम में लिखा गया है पुरानी इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में TH EN, इसका मतलब होता है की अपेक्षा। फीवल मतलब वीक, कमजोर। साइएस्ट मतलब साई, आहें भरना, साइएस्ट मतलब साई। डिवाइनिंग मतलब स्वर्गिक, स्वर्ग से संबंधित। पार्ट मतलब तुम्हारा पक्ष लेगा, मतलब तुम्हारा साथ देगा, फेवर करेगा। पार्टेड मतलब बिछुड़ना। ज्वाइनी वास्तव में शब्द है ज्वाइन, शामिल होना। स्ट्रेंथ से भर बना है स्ट्रेंथन, मतलब शक्ति देना। लेंथ मतलब दूरी। सॉल, देखिए स्पेलिंग है SOUL, एक्स्ट्रा ई लगा हुआ है, वास्तव में शब्द है SOUL, सॉल मतलब आत्मा। वीपेस्ट वास्तव में शब्द है वीप, वीप मतलब रोना। अनकाइंडली मतलब निर्दयता पूर्वक या बेतहाशा। अनकाइंडली काइंड है, इसका मतलब होता है बेतहाशा। डीके मतलब नष्ट होना। दाव, दाव बना, दाव का मतलब होता है यू, मतलब तुम। इसे यहां पर ध्यान रखिएगा, दाव दाई, दाव दाई, TH Y, दाई का मतलब योर। दाइन, TH INE, दाइन, दाइन मतलब योर्स। दी, TH EE, दी मतलब यू ऑब्जेक्ट के रूप में, और यह यू सब्जेक्ट के रूप में, दाउ ये सब्जेक्ट के रूप में, अब दी है ऑब्जेक्ट के रूप में। वेस्ट मतलब बर्बाद करना। फॉर थिंक मतलब पहले सोचना। इल मतलब बुरा। फुलफिल मतलब पूरा करना। टर्न एसाइड, करवट बदलना या उलट जाना। एलाइव मतलब जीवित। पार्टेड मतलब जुदा। ये शब्द जो था, डिफिकल्ट कुछ वर्ड्स थे, वे शब्द थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसे लिखा था जॉन डोन साहब ने। ये एक बहुत बड़े मेटाफिजिकल पोएट है, ध्यान रखना है, जॉन डोन मेटाफिजिकल पोएट के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसे लिखा है वाल्ट विटमैन ने, इसका डिफिकल्ट वर्ड है सेलिब्रेट,
उत्सव मनाना, खुशी मनाना। एज्यूम मतलब मानना या ग्रहण, धारणा, धारण करना। लोफ मतलब इधर उधर भटकना बिना उद्देश्य के। लीन मतलब आराम करना। स्पीयर मतलब तिनका, जो घास का तिनका होता है, ऊपर का भाग एकदम नुकीला होता है, उसी को कहा जाता है स्पीयर। यहाँ पर स्पीयर का प्रयोग इस पोएम में इसी में हुआ है। क्रीड्स मतलब मत, जो धार्मिक मत है, जो धार्मिक है। स्कूल्स मतलब विचारधाराएं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। इन एबियांस मतलब स्थगित। सफिस्ट मतलब पर्याप्त, एनफ, एनफ, ई एन ओ यू जी एच, एनफ। हार्बर मतलब मन में रखना। हेजार्ड मतलब जोखिम या खतरा। सीज मतलब रुकना। टिल डेथ मृत्यु तक। ए वाइल मतलब थोड़ी देर तक। बिगिन माने शुरू करना। बिगिन का रूप चलता है भर्व है बिगिन, बिगैन, बी ई जी ए एन, बिगैन। तीसरा रूप बिगन, बी ई जी यू एन। रिटायरिंग बैक वापस एकांत में आना। रिटायरिंग बैक मतलब वापस एकांत में आना। फॉरगॉटन भुलाया जाना। परमिट मतलब इजाजत लेना। ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे वे कौन किस चैप्टर के थे? सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ के थे। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने दो चैप्टर लिया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ। ठीक है, धन्यवाद।